देख रहे हैं टेक बैड चैनल और ये है नोकिया 1104G का फ़ोन है। और आज मैं इस फ़ोन के एक बहुत ही अच्छे फीचर्स को दिखाऊंगा, मैं समझता हूँ इसको आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फीचर्स के बारे में आज जो बताने जा रहा हूँ वो है इस जो नोकिया 1104G में जो मैसेज आता है वो मैसेज को आप ब्लैक लिस्ट में कैसे ले जाएंगे। तो पहले आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, तो आप इस मैसेज को ब्लैक लिस्ट में कैसे ले जाएंगे आज मैं दिखाऊंगा। पहले आपको क्या करना होगा, आपको मैसेज में जाना होगा। देखिए मैसेज में आने के बाद आपको इधर जो इनबॉक्स है वो इनबॉक्स में आना होगा, क्योंकि इनबॉक्स में ही सारा मैसेज रहता है। देखिए मेरा एक ही मैसेज है और इसको मैं ब्लैकलिस्ट करना चाहता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट करूँ इस बटन के जरिए। सिलेक्ट हो जाने के बाद इसमें जो ट्रिपल बार ऑप्शन है ये इधर ट्रिपल बार ऑप्शन में आप जाइए और नीचे आ जाइए। लिखा है ऐड टू ब्लैक लिस्ट, इसमें सिलेक्ट कर दीजिए। अब इसके अंदर से आप बाहर आ जाइए और इस नंबर से आपको कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर ये जो ब्लैक लिस्ट है आपको रिकवर करना होगा तो आप कैसे करेंगे, जो जिस नंबर पे आप ब्लैक लिस्ट डाल दिया है वो नंबर से तो आप कभी मैसेज नहीं आएगा। लेकिन आप उस नंबर से कोई मैसेज लेना चाहते हो तो कैसे वो ब्लैक लिस्ट को हटाओगे, तो पहले हटाने के लिए आपको मैसेज में जाना होगा। मैसेज में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना होगा। इधर जो मैसेज सेटिंग है इसमें जाना होगा और इसके अंदर नीच में आ जाना होगा। नीचे आ जाइए एकदम, इधर देखिए ब्लैक लिस्ट है, इधर में जाइए सिलेक्ट करके और ये जो मैं ब्लैक लिस्ट में दिया है इस मैसेज को ये इधर है, आपको इसको सिलेक्ट करना होगा। नहीं, आपको सिलेक्ट नहीं करना होगा, आपको ट्रिपल जो बड़ा ऑप्शन है उसमें जाना होगा और इसको डिलीट कर देना होगा। ठीक है, डिलीट करने के बाद आपके अंदर ये जो नंबर है उस नंबर पे फिर से आपको मैसेज आना शुरू हो जाएगा, अगर कोई मैसेज सेंड करे तो। तो ऐसे करके आप ब्लैकलिस्ट कर सकते हो और ब्लैकलिस्ट को रिकवर भी कर सकते हो। तो दोस्त वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और मेरा चैनल टेक बाइट उसको सब्सक्राइब करना। नमस्कार।